प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा छ के विषय हिंदी के पाठ छ क्यों क्यों लड़की, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ने से पहले इस पाठ के जो लिखने वाले जो है लेखिका हैं उनके बारे में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं। तो आइए इस पाठ का उद्देश्य और लेखक परिचय जानते हैं। इस क्यों क्यों लड़की के पाठ के लेखिका हैं महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि महाश्वेता जी देवी का जन्म 14 जनवरी सन 1926 ईस्वी को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता में हुई। साहित्य के प्रति बचपन से आपका लगाव था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास झांसी की रानी, 1084 की माँ, चोटी मुंडा और उसका तीर, अग्निगर्भ, अक्लांत कौरव, सूरज गहराई और मास्टर साव आदि है। उनकी रचनाओं की कथा वस्तु में आदिवासियों का जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ा है। महाश्वेता देवी को उनकी साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मैग्सेसे आदि प्रमुख है। इनकी मृत्यु 28 जुलाई 2016 को कोलकाता में हुई थी। बच्चों, जो महाश्वेता हैं, या इनकी जो लेखन का मुख्य विषय है वह आदिवासियों के जीवन शैली पर लिखा गया है। अब हम लोग इनके द्वारा लिखे गए लेख का अध्ययन करते हैं। बच्चों, लेख की शुरुआत होती है पर क्यों। छोटी सी लड़की थी वह, करीब 10 साल की। एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 10 साल है, वह कहती है पर क्यों। एक बड़े सांप का पीछा कर रही थी, मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटियां पकड़ घसीट कर लाई, उस पर चिल्लाई ना मोइना ना। एक बड़ा सांप था, बच्ची छोटी थी, वह उस सांप को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, उसका पीछा कर रही थी। लेखिका कह रही कि मैं उसके पीछे भागी, उसकी चोटी यानी बाल को पकड़ करके घसीट करके लाई और चिल्लाई कि मोइना तुमको ऐसा नहीं करना है। क्यों, उसने पूछा, उस बालिका ने पूछा, क्यों क्यों मुझे ऐसा नहीं करना है। वो कोई धामन वामन नहीं है, नाग है नाग। क्या वो कोई धामन सांप, सांप की एक जाति होती है धामन, जो जहरीली नहीं होती है, जिसके काटने पर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो लेखिका कह रही कि वो बच्ची से कि वह धामन सांप नहीं है बल्कि नाग है, जहरीला सांप है जिसके जहर से व्यक्ति की मृत्यु होती है अगर वो काट लेते। तो नाग क्यों ना पकड़ू, बालिका कहती नाग इसको क्यों नहीं पकड़ेंगे, क्यों, अरे काट लेगा, नहीं इस बार नहीं। कहती नहीं काट लेगा तो इस बार नहीं, पर क्यों, मैं उसे ऑफिस तक घसीट कर लाई, वहां उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। लेखिका कह रही है कि मैं उसे पकड़ करके अपने ऑफिस कार्यालय तक लाई और वहां उसकी जो माँ खीरी थी वो एक टोकरी को क्या कर रही थी, बना रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, मैंने कहा। क्या ठीक है, चलो थोड़ा विश्राम कर लो, मैंने उससे ऐसा कहा। क्यों क्यों नहीं, थकी नहीं हो क्या, क्या तुम काम करते करते थक नहीं गई हो, इसलिए तुम थोड़ा आराम करो, ऐसी बात कहती है। आगे मोइना ने सिर हिलाया, बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा। मोइना जो कहती है अपना सिर हिला करके संकेत देती है, कहती बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा, और लकड़ी लाना, पानी लाना, चिड़िया पकड़ने का फंदा लगाना, ये सब कौन करेगा। यानी ये तमाम तरह के कार्य को मोइना बताती है। खीरी ने कहा, बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद देना ना भूलना। कह बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उनको धन्यवाद देना तुम भूलना मत, जरूर बोल देना। क्यों, वो लड़की फिर प्रश्न करती है, क्यों क्यों दू धन्यवाद उसे, क्यों उसको मैं धन्यवाद दू, उसकी गौशाला धोती हूं, हजारों काम करती हूं उसके लिए। भाई
अगर उसने चावल दिया है तो मैं भी तो उसका गौशाला धोने का काम करती हूँ, उसके और कई काम है जो उसको मैं करती हूँ, तो उसको धन्यवाद किस बात का। कभी धन्यवाद देता है मुझे, मैं क्यों उसे धन्यवाद, जब वह मुझे कभी धन्यवाद नहीं देता है तो मैं उसे धन्यवाद क्यों दूँ। लड़की ऐसी कहती है। आगे, मोइना अपने काम पर भाग गई, खीरी सिर हिलाती रह गई, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। इतना बोल करके मोइना क्या है वहां से चली जाती है, खीरी सिर हिलाती रह जाती है और कहती है कि ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा जो हर बार हर बात पर क्यों क्यों करती रहती है। गांव के पोस्टमास्टर ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा, गांव के जो पोस्टमास्टर थे उसने उस बालिका का नाम ही रख दिया था क्यों क्यों लड़की। मुझे तो अच्छी लगती है मोहिना, क्या मोहिना मुझे अच्छी लगती है, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती नहीं। भाई इतना जिद है उसके अंदर, इतना हट है, बाल हट है कि अगर एक बात पकड़ ले तो वह उससे पीछे नहीं हटती है जब तक उसको जान न ले। मोइना आदिवासी लड़की थी, सबर जात की, सबर लोग गरीब और भूमिहीन थे पर बाकी। मोइना क्या है, एक आदिवासी लड़की है। आदिवासी उसे कहते हैं जो जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां हैं उनको आदिवासी कहते हैं, और उन आदिवासियों में वह मोइना सबर जात की है और सबर जात के लोग गरीब और भूमिहीन थे बाकी। सवर लोग कभी शिकायत करते सुनाई नहीं देते, यानी इस जात के लोग कभी कोई शिकायत नहीं करते, सिर्फ मोइना ही थी जो सवाल पर सवाल करे, यानी उस जात में एक मोइना ही एक ऐसी बालिका थी जो हर प्रश्न पर एक सवाल खड़ा करती थी। क्यों मुझे मीलों चलना पड़ता है नदी से पानी लाने के लिए, क्यों रहते हैं हम पत्तों के झोपड़ी में, हम दिन में दो बार चावल क्यों नहीं खा सकते। इतने सारे प्रश्न करती है बालिका कि मुझे क्यों मीलों की दूरी तय करनी पड़ती है नदी से पानी लाने के लिए, क्यों रहते हैं हम पत्तों यानी झोपड़ी वाले घर में, हम दिन में दो बार चावल क्यों नहीं खा सकते, ऐसा क्या है। मोइना गांव के बाबुओं की बकरियों चराने का काम करती, मोइना जो गांव के बाबू लोग हैं उनकी बकरियों को चराने का काम करती है, पर न तो वह अपने आप को दीनहीन समझती है न ही मालिकों का एहसान मानती। मोइना अपने को दीनहीन नहीं समझती है, कमजोर नहीं समझती है और न मालिकों का उपकार को वह मानती है, उन्होंने कोई उपकार किया। वह अपना काम करती, घर आ जाती और बुदबुदाती रहती, वह अपना काम करती है फिर घर आती है और मन में बड़बड़ाती रहती है, बोलती रहती है क्यों उनका बच्चा खुचा खाऊं मैं, भाई उनके द्वारा जो छोड़ा गया है उसको क्यों मैं खाऊं, मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को, हरे पत्ते चावल केकड़े और मिर्ची वाला, और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊं। कहती है मैं शाम को एक अच्छा खासा खाना बनाऊंगी और घर वालों के साथ बैठ करके अच्छे से खाऊंगी, मैं उनका बाबू लोगों का बचा खुचा नहीं खाऊंगी। वैसे सबर लोग आम तौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते हैं, जो सबर जात के लोग हैं सामान्यतः अपनी लड़कियों को काम पर भेजते नहीं है, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती है, जो मोइना की माँ है उसका एक पैर ठीक नहीं है, वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती, क्योंकि पैर ठीक नहीं है वह ज्यादा दूर तक चल फिर नहीं सकती। उसके पिता दूर जमदेशपुर काम की तलाश में गए हुए थे, जो उसके पिता थे वह जमदेशपुर में गए थे काम की तलाश में, और उसका भाई गोरो जलाऊ लकड़ी लाने जंगल जाता, उसका जो भाई गोरो था वह जलावनी लकड़ियों को लेने के लिए जंगल में जाता, सो मोइना को भी काम पर जाना पड़ इस कारण मोइना को भी काम पर जाना पड़ता था। उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहां पूरा एक माह रुकी, एकाग्र अक्टूबर महीने में पूरे समिति के साथ मैं वहां पर रुकी, इनके बीच
एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। मोइना ने भी घोषणा किया तो वह समिति वाली जो झोपड़ी है ना, उस झोपड़ी में मैं लेखिका के साथ रुकूंगी, रहूंगी। आगे बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा, जो खीरी थी उसने मोइना से कहा नहीं, ऐसा नहीं। क्यों नहीं, उसने प्रश्न किया, फिर क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए भाई, इतनी बड़ी झोपड़ी है, उसमें रहने वाली एक ही वृद्ध औरत है, उसको कितना जगह चाहिए कि उसमें मैं नहीं रह सकती। तुम्हारे काम का क्या होगा, हेरी कहती जो तुमको काम करना वो काम कौन करेगा, काम के बाद आया करूंगी। कहती ठीक है, हमारा जो काम है हम उसको करेंगे, उसके बाद जो समय मिलेगा हम वहां चले जाएंगे। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। वह अपने जरूरत की एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए वहां झोपड़ी में पहुंची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा आता है, उसने कहा। उसने कहा कि ये थोड़ा खाता है और जो बुरे सांप है उनको क्या करता है, दूर कर देता है। उसने कहा अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर मां को दे देती हूं, जो अच्छे सांप होते हैं उनको मैं खुद पकड़ करके मां को दे देती हूं। हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। जो उनकी समिति थी उनमें जो शिक्षिका थी उनका नाम बोनाल था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस लड़की के क्यों क्यों जाने जो प्रश्न है इससे आप परेशान हो जाएंगी। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। सच में वह अक्टूबर का महीना ऐसे व्यतीत हुआ कि इसका क्या पूछना, क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं। उस लड़की को बाबू की जो बकरियां हैं वह चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं, जबकि उसके लड़के ये काम खुद कर सकते हैं, फिर भी मोइना को चरानी पड़ती। मछलियां बोल क्यों नहीं पाती, वो प्रश्न करते हुए, मछली है उसके अंदर भी जीव है, प्राण है, तो वो क्यों नहीं बोल पाती है। अगर कई सारे तारे सूरत से भी बड़े हैं, अगर कई सारे तारे सूरत से भी बड़े हैं तो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं। कहती है कि अगर तारे हैं जो कहा जाता है कि सूरत से भी बड़े बड़े हैं, तो कहती फिर इतने छोटे क्यों दिखते हैं। और हर रात को तुम सोने के पहले किताबें क्यों पढ़ती, कहती है कि भाई हर रात में तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो, क्या कारण है। क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों का जवाब मिलते हैं। उसने जवाब दिया कि इस किताब में जो तुम करती हो प्रश्न क्यों क्यों, इस क्यों का उसमें क्या है, उत्तर छिपा हुआ है। इस एक बार मोइना चुप रही, उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ पानी दिया, नेवले को मछली दी। इस बार मोइना ने क्या किया, शांत रही, उसने अपना कमरा ठीक ठाक कर लिया, रंगन के फूलों से वाले झाड़ को क्या किया, जो झाड़ी थी उसको पानी दिया, नेवले को मछली दी, जो नेवला था उसको खाने के लिए मछली दी। फिर उसने कहा मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। उसने कहा कि ठीक है, तब मैं भी पढ़ना सीखूंगी और मेरे अंदर जितने प्रश्न हैं, जितने सवाल हैं, सबके जवाब को मैं खोजूंगी, खोज कर निकाल लूंगी। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चे को बताती। निका कह रही है वह मोइना जो है जो जो उससे कुछ सीख पाती वह दूसरे बच्चों को बकरी चराते समय क्या करती, बताती। कई तारे सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। कई तारे सूरज से बड़े हैं लेकिन सूरज नजदीक है इसलिए बड़ा दिखता है, तारे उससे काफी दूर है इसलिए छोटे दिखते हैं। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं कर सकती, मछली जो है जैसे हम बात कर रहे हैं उस तरह मछली हमारी तरह बातचीत नहीं कर पाती। मछलियों की अपनी भाषा है
जो सुनाई नहीं देती, क्या उनकी एक अपनी अलग भाषा, उस भाषा को हम सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है, आप लोगों को पता है कि पृथ्वी क्या है, गोल है। एक साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज। लिखा करे जब एक साल के बाद फिर मैं दोबारा उस गांव में गई तो मुझे मोइना की आवाज सुनाई दी। स्कूल क्यों बंद है, विद्यालय क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। समिति के स्कूल के अंदर एक बकरी थी जो बोल रही थी, उसको उसने अपने साथ घसीटते हुए पकड़े हुए क्या है, मालती को ललकारती है, क्या मतलब है तुम्हारा क्यों बंद है? भाई तुम्हारा इससे क्या मतलब, क्या उद्देश्य, क्यों बंद है? मैं भी क्यों ना पढ़ूं? उसने कहा कि मैं क्यों ना पढ़ूं, तो तुम्हें रोक कौन रहा है? कहा ठीक, तुमको पढ़ने से कौन मना कर रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। कैसे, कोई तो कक्षा क्लास लगी ही नहीं, स्कूल पूरा हो चुका क्या? स्कूल पूरा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, क्यों? तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूं। मोइना तुमको पता होना चाहिए कि स्कूल में कक्षा जो है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक चलती है। मोइना ने पांव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? उसने कहा भाई तुम समय क्यों नहीं बदलते रही? मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती है सुबह, मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूं। क्या मुझे बाबू लोगों की बकरी चरानी पड़ती है और मैं स्कूल में 11 बजे के बाद ही आ सकती हूं, उसके पहले नहीं? तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से? अगर तुम 11 के बाद नहीं पढ़ाओगी तो मैं सीखूंगी कहां से, मुझे आएगा कैसे? मैं बूढ़ी मां को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। क्या मैं बूढ़ी मां को बताऊंगा कि जो बकरी चराने वाले हैं, गाय चराने वाले बच्चे हैं, अगर तुम ये लोग समय नहीं बदलते हैं तो हम लोग पढ़ने नहीं आ पाएंगे? आगे, तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। तब तक उसकी दृष्टि उन पर पड़ी और वह बकरी लेकर क्या हुई, भाग खड़ी। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। लेखा के जो शाम के समय वह मोइना की झोपड़ी यानी घर पर गई। चौके की अंगार के पास मजे से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी। चौके के अंगार के पास, आंगन के पास बैठ करके वो अपने छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी क्या, कि एक पेड़ काटो तो दो पेड़ लगाओ। अगर एक पेड़ आप काट रहे हैं तो उसके बदले में आपको दो पेड़ लगाने होंगे। खाने के पहले हाथ धो लो, जानते हो खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, क्यों जानते हैं? पेट दर्द हो जाएगा अगर नहीं धोओगे भाई, अगर नहीं धोएंगे तो पेट में दर्द होगा। तो तुम कुछ नहीं जानते हो, क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। क्या तुमको कुछ नहीं पता है? इसलिए कि तुम समिति की जो कक्षा लगती है, पढ़ाई का जो कक्षा लगती है, उसमें आप जाते नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला यानी दाखिल होने वाली पहली लड़की कौन थी? तुम्हें क्या लगता है कि जब गांव में स्कूल खुला तो उसमें सबसे पहले अपना नाम लिखाने वाली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 साल की है। अब वह मोइना आज इस समय कितने वर्ष की है? 18 वर्ष की। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज सुनाई देगी। वह स्कूल, समिति के स्कूल में पढ़ाती है। और अगर तुम स्कूल के पास से अगर हम लोग निकलते हैं तो हमें उसकी आवाज, उसकी बेचैनी की आवाज सुनाई देगी। आलस मत करो, कहती है पहले जीवन में आलस मत करो, सवाल करो, मुझसे पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए। कहती सवाल करो, प्रश्न करो,
कि मच्छरों को क्यों खत्म कर देना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है, ध्रुव तारा क्यों हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों, अब उसके कारण जो दूसरे बच्चे हैं अब वो अभी पूछना शुरू कर दे क्यों है। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूं, अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों मेरे बारे में क्यों। मोइना को नहीं पता कि मैं लेखिका महाश्वेता जो उसके बारे में कहानी लिख रही है, क्योंकि उसे बताया जाएगा तो ही प्रश्न करेगी क्यों मेरे बारे में ही क्यों लिखा है। बच्चों इस पाठ में जो कुछ कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ यहां पर है। देखिए धामन सांप की एक जाति है, गोशाला गाय के रहने का स्थान, अहसान मन उपकार, घोषणा अने जोर से बोलकर जताना या ऐलान करना, बुदबुदाना अर्थात बड़बड़ाना, ललकारना विपक्षी को लड़ने की चुनौती। प्यारे बच्चों इस प्रकार मैंने आप लोगों को इस पाठ की कहानी को समझाया बताया, उसके जो कठिन शब्द थे उसको भी मैंने आपको बताया। अब आगे जो है इस पाठ के संबंधित जो अभ्यास प्रश्न है उसकी चर्चा होगी। धन्यवाद।